झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय कैंपस में संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पंजाब सिंह तथा अन्य कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 105 फीट का तिरंगा विश्वविद्यालय कैंपस में फहराया और इसके बाद विश्वविद्यालय कैंपस में नए गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया और इसके साथ ही दो छात्रावासों का शिलान्यास भी किया। इस दीक्षांत समारोह में 2019 से लेकर 2022 तक तीन अलग अलग सत्रों के विद्यार्थियों को कुल 214 पदक दिए गए। इनमें 18 स्वर्ण पदक थे, जिनमें से 16 पदक पर लड़कियों ने अपना कब्जा जमाया और बाकी दो लड़कों के नाम रहे। दीक्षांत समारोह का अवसर है। निश्चित रूप से आज लगभग 214 से अधिक विद्यार्थी डिग्री लेकर अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में आज 18 लोगों को गोल्ड मेडल मिला है। 18 में से 16 बच्चियां हैं, बेटियां हैं। यह निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है कि बेटियां कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।